और बड़ी खबर सामने आ रही गिरिडीह से, जहां पर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर गिरिडीह से देख रहे हैं, जहां पर साइबर अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है और इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनकी संख्या 9 बताई जा रही है। ये साइबर ठग लोगों को, भोले वाले लोगों को अपने चंगुल में फंसा रहे थे और साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। और इस बीच पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली, जहां पर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से कई महंगे मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए हैं। और इस तस्वीरों को आप टीवी स्क्रीन पर गिरिडीह से देख रहे हैं, जहां पर यह बड़ी सफलता पुलिस को मिली और पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नौ साइबर अपराधी पुलिस के शिकंजे में हैं और ऐसे में आपको बताया कि पुलिस को यह बड़ी सफलता लगातार मिलती हुई नजर आ रही है। ये सभी, इनके पास से महंगे मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर गिरिडीह से देख रहे हैं। इनकी संख्या 9 बताई जा रही है और इनके पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई भी पुलिस प्रशासन की ओर से की जाएगी। नौ साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से क्या कुछ बरामद किया गया, चलिए और भी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर गिरिडीह से संवाददाता श्रीकांत जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, देखिए पुलिस को ये वापस से बड़ी सफलता साइबर अपराधियों के खिलाफ, 9 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, आपको बता दूं कि गिरिडीह पुलिस लगातार जो है आर्थिक अपराध हो या फिर अन्य कोई भी अपराध हो उसके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है। इसी कड़ी में गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई हुई है, जिसमें कुल अलग अलग थाना क्षेत्रों से 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी साइबर अपराधी अलग अलग तरीके से लोगों के खाते से पैसे उड़ाते थे, साइबर अपराध क्या करते थे, कई बार ये आपको जानकारी देने के नाम पर, ऑनलाइन कॉल के नाम पर, सुविधा देने के नाम पर लोगों के पैसे ठगते थे, जिसके बाद गिरिडीह पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई मोबाइल सिम कार्ड और कई सारे ऐप जो है वो जब्त किए गए हैं। कई सारे लोगों के पास से कई अहम जानकारियां मिली हैं और कुल 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। गिरिडीह पुलिस लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने आज प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी है। उनका कहना है कि किसी भी सूरत में साइबर अपराध को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा और जो भी लोग इस अवैध कारोबार में संलिप्त हैं, इस साइबर अपराध में संलिप्त हैं, वो लोग जल्द से जल्द सामान्य जीवन में आए और इस अपराध की दुनिया से बाहर निकले, वरना पुलिस उनको सराखों के पीछे पहुंचाएगी और उनके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे और उनसे जुड़ी हुई जो भी संपत्तियां हैं, जो भी अवैध धन उगाही की गई है या फिर उस अवैध कमाई से जो भी धन अर्जित की गई है उसे भी जब्त किया जाएगा और आगे जो भी विभाग है उन संबंधित विभागों को भी लिखा जाएगा। तो कहा जा सकता है कि एसपी अब पूरे रेस है और ऐसे में लगातार ये कार्रवाई देखने को हमें मिल रही है और ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली। चलिए, तमाम जानकारी के लिए श्रीकांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेडिकल स्टोर का या फिर मेडिकल जैसे आपको दिल्ली से किसी डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर एक्स, अब डॉक्टर एक्स का जो नंबर है वह तो उसके ऑफिस का है, लेकिन एक सेम पेज ये नकली पेज बनाते हैं और उस पेज पर अपना नंबर पंच कर देते हैं या उनके बनाए हुए पेज को ही उसमें जा करके अपना नंबर पंच करते हैं और जब वो कॉल होगा उधर से तो वो कॉल जो है इनके पास आ जाएगा। अभी पिछले दिनों जो गिरफ्तारी की गई थी, इसी तरह से साइबर अपराधी वो कुरियर का नंबर अपना एक पेज बनाए हुए थे, जैसे कोई भी कुरियर ट्रैक होता है तो कुरियर में वो नंबर को जो कंज्यूमर होते हैं वो अपना उनकी डिलीवरी कहाँ पहुंची इसके बारे में पता करते हैं, लेकिन उन उस जगह पर उस पेज पर इनका अपना खुद का नंबर क्या हुआ पंच होता है और उसके माध्यम से जब कोई कंज्यूमर फोन करता है कि हमारा ऑर्डर कहाँ पहुंचा तो वो नंबर इनके नंबर पर कॉल आ जाता है और उसके उसी से वो फर्जी ढंग से उनसे कुरियर सही समय पे जल्दी पहुंचाने के नाम पर उनका बैंक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।